नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं मंशा श्रीवास आपके साथ। जैन कलार समाज ज्येष्ठ नागरिक मंडल के जैन कलार समाज न्यासा मध्यवर्ती व जिला समिति के चुनाव में जिस प्रकार से मतों की गिनती की गई उसमें भारी गड़बड़ी किए जाने के विषय को लेकर जैन कलार समाज ज्येष्ठ नागरिक मंडल की ओर से नागपुर के पत्रकार भवन में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज ने जैन कलार समाज ज्येष्ठ नागरिक मंडल के अध्यक्ष अनिल शंकर राव तिड़के से विस्तार से बात की। आइए देखते हमारी यह खास रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए लिए है कि जैन कलार समाज ज्येष्ठ जैन कलार समाज की जो पिछले टाइम में 25/12 को जो चुनाव हुआ जैन कलार समाज ट्रस्ट का, वो ट्रस्ट में उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया और जनशक्ति विरुद्ध धनशक्ति का उपयोग करके जो लोगों को साने हमारे 4 जिले के 5 जिले के लोग हमारे पास आपुल की पैनल से जुड़े हुए थे, हमको बहुमत मिलने के बाद में इन्होंने धनशक्ति का वापर करके गैर तरीके से हमको इन्होंने ट्रीट किया और 25 तारीख का चुनाव 13 तारीख तक इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, 8 तारीख तक डिक्लेयर नहीं किया। 8 तारीख तक जब ये इनकी बोगस बंडल मिले, बोगस पेपर मिले, बोगस ये मिले और हमने जब रिकाउंटिंग डाला तो हमारे नामंजूर किया और जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो लोग थे उनके पैसे भरवा के वो उनकी रिकाउंटिंग करके हमारे आए हुए चुने हुए लोगों को उन्होंने गिराया। तो हमारे अपुल की पैनल के सब लोग एकदम नाराज़ हो गए और हंगामा हुआ। हमने CP साहब को फ़ोन किया, कमिश्नर साहब ने पुलिस भेजी और पुलिस भेज के उन्होंने बोला निवडणूक अधिकारी ने कि पैनल के हेड को बुलाओ। पैनल के हेड को हमने बुलाया, श्री शेखर जी आदमी को बुलाए, उनके लोगों को बुलाए और दोनों को बुला के हमने बोला हमको ये चुनाव नहीं हो रहा, ये इसमें स्थगित ही दो। और हमने उस टाइम पूरा काउंटिंग रुकवा दिया और उसका पंचनामा करवाया और उसमें दूसरे पैनल के भी लोगों की सही लिया और उन्होंने डिक्लेयर किया और वहाँ से काम स्टॉप किया और पंचनामा में दोनों पैनल के लोगों की सही रहे। उसके बाद दूसरे दिन हम कोर्ट में गए, कोर्ट में हमने पूरे पुरावे सादर किए, माननीय उपायुक्त ने हमको पूरे प्रोग्राम के ऊपर स्टे दिया है। हमको लग रहा था लेकिन इस लेवल पे इतने नीचे गिर सकते हैं ये उम्मीद नहीं थी। हम भी हमारी ये मांगनी है कि ये ट्रस्ट में 50 साल से भ्रष्टाचार चालू है, इसके ऊपर शासकीय यंत्रणा के मार्फत चुनाव हो जाए और इनके ऊपर इंक्वायरी हुई बैठना चाहिए, प्रशासक बैठना चाहिए और प्रशासक बैठ के क्राइम ब्रांच की तरफ से इनकी इंक्वायरी होना चाहिए, ED की तरफ से इनकी तरफ इंक्वायरी होना चाहिए, ये मेरी डिमांड है। हाँ, फिर से इलेक्शन होना ही चाहिए लेकिन ये अच्छे एखादे रिटायर्ड जज के हाथ से या कोई प्रोफेसर के हाथ से पहले ये कारोबार पूरा लाइन पे लाना चाहिए। अभी तो परिस्थिति बहुत बिकट है और पूरी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, जितनी भी इस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है एक भी प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है, सारी डिस्प्यूटेड है। तो प्रशासक के माध्यम से वो क्लियर करवाएंगे, उसके बाद हम चुनाव लेंगे। मेरा नाम अनिल तिड़के, अध्यक्ष जैन कलार ज्येष्ठ नागरिक मंडल और आजीवन मैं लाइफ मेंबर हूँ और वहाँ का मैं सबसे बड़ा डोनर हूँ। मी प्राध्यापक अनिल भांडारकर या झालेल्या निवडणुकीत उपाध्यक्ष पदाचा उमेदवार होतो आणि ही निवडणूक अत्यंत गैरपद्धतीने झाली, महागोळ झाला आहे हे सगळ्यांच्या लक्षात आलं आहे। समाज बांधवांनी आम्हाला साथ दिली आहे की या निवडणुकीमध्ये खूप मोठा घोळ झाला आहे। जे जे उमेदवार होते त्यांच्या मतमोजणीमध्ये 20-50 पर्यंत 60 पर्यंत कोऱ्या मतपत्रिका निघतात, यावरून मी असं म्हटलं आहे की आपले समाज बांधव इतके निरक्षर आणि अळाणी आहेत का की इतके कोरे पेपर निघतात आणि काही लोक सापडले आहेत कोरे मत पेपर त्यांच्या खिशामध्ये हातामध्ये सापडले आहेत। स्ट्रॉंग रूम एकीकडे, मतमोजणी एकीकडे, स्ट्रॉंग रूममध्ये ते हे नो CCTV कॅमेरे नव्हते, अशी परिस्थिती झालेली आहे आणि मतमोजणीमध्ये खूप घोळ झालेला आहे। इसके पीछे जो प्रयास वाले पैनल वाले है, धनशक्ति विरुद्ध जनशक्ति ऐसा हुआ है, धनशक्ति वाले जीत गए, हालांकि हम जीत के आए, हमको कोई हरा नहीं सकता, मेरा दावा है। भंडारे की बात मत मैं बताता हूँ, भंडारे में क्या हुआ, भंडारे का मैं रहवासी हूँ
वहाँ के वोटर्स मैंने करवाया, अपने अध्यक्ष अनिल तिड़के जी है, इनको 370 मत मिलते और मैं वहाँ का होने के बाद भी भंडारा कॉलेज में प्रोफेसर था, सब मेरे को पहचानते वहाँ, और मुझे उपाध्यक्ष पद के लिए सिर्फ 170 मत मिलते हैं, बाकी के मेरे मत कहाँ गए। पैनल वाइज जब वोट होता है तो मुझे तो इनसे भी ज़्यादा मिलना चाहिए, ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी बात यह है कि एक बार उन्होंने उपाध्यक्ष पद की मतमोजनी शुरू की, मतमोजनी के बाद पहली ये हुई मत फेरी, उसके बाद 10 तास उन्हें रुकवा दिए और 10 घंटे के बाद फिर शुरू किए, तो ऐसा होता नहीं। एक बार जो शुरू हुई जिस पद के लिए मतमोजनी, तो वो पूरी करना चाहिए। पुलिस स्टेशन सक्करदरा पुलिस स्टेशन। मैं प्राध्यापक अनिल भांडारकर प्रशासक नियुक्त करू फिर निवडणूक पाहिजे, प्रशासक निवडणूक योगाचार्य रामदरजी पटी एक भूषणजी दळवे सुधीर पटी आमचे हे प्राध्यापक अनिल भांडारकर आणि हे ज्येष्ठ मंडळाचे सचिव आशिराजी ठवे। मी अनिल पेठ। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।